दोस्तों, अगर क्यूटनेस और मासूमियत की बात की जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये जानवर टॉप क्यूटेस्ट एनिमल्स में से एक है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल नेचर्स स्वीट टेल्स पे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारे और मासूम जानवर को एक्सप्लोर करेंगे। ये जानवर और कोई नहीं बल्कि नहायत ही प्यारा कोआला है, जिसका साइंटिफिक नेम फास्कुलाटस सिनेरियस है। इन्हें अक्सर कोआला रीछ कहा जाता है, लेकिन वो असल में रीछ नहीं है। इनका कैंगरू और वॉलबीज से ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। कोआला की एक मखसूस शक्ल होती है जिसमें कान, एक गोल नाक और नरम सुरमई खाल में ढका हुआ जिस्म है। खाल मोटी और ऊनी होती है जो इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों से बचने में मदद देती है। इनमें सूंघने की गहरी हिस और बेहतरीन समात होती है जो इन्हें खुराक का पता लगाने और शिकारियों से बचने में मदद देती है। इनकी आंखें बड़ी और गोल होती हैं जो इन्हें प्यारा और मुतजस इजहार देती हैं। कोआला सब्जी खोर हैं और बुनियादी तौर पर यूकलिप्टस के पत्ते खाते हैं। दरहकीकत ये इन चंद जानवरों में से हैं जो यूकलिप्टस के पत्ते बतौर खुराक खाते हैं, और इनमें पाए जाने वाले जहरीले मरकबात को हजम कर सकते हैं। इनके पास एक इंतहाई मखसूस निज़ाम इन्हज़ाम है जो इन्हें पत्तों में मौजूद सख्त रेशों को तोड़ने की इजाज़त देता है, जिनमें गज़ाइत कम होती है क्योंकि यूकलिप्टस के पत्तों में तवानाई कम होती है। इसलिए कोआलों को अपनी तवानाई को बचाना ज़रूरी होता है और ज़िंदा रहने के लिए जितना मुमकिन हो सके हरकत करना होती है। कोआला ज़्यादातर मशरक़ी और जनूब मशरक़ी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो साहली इलाकों और अंदरूनी मुल्क जंगलात में लंबे यूकलिप्टस के दरख्तों में रहते हैं। वो दरख्तों में ज़िंदगी के साथ अच्छी तरह ढल जाते हैं। पंजों और अपनी मोटी अजलाती दुम के साथ, जो इन्हें तवाज़न बरकरार रखने में मदद देती है, वो ज़्यादातर वक़्त बैठे रहते हैं और दिन में 20 घंटे तक सोते या दरख्तों पर आराम करते हैं। कोआला साल में एक बार आमतौर पर दिसंबर और मार्च के दरमियान नस्ल देते हैं। खवातीन एक वक्त में एक बच्चे को जन्म देती हैं जो कम तरक्की याफ्ता पैदा होते हैं, और नशोनुमा जारी रखने के लिए अपनी माँ की थैली में रेंगते हैं। ये बच्चे 6 माह तक थैली में रहते हैं, दूध पीते और उभरने तक अपनी माँ की पीठ पर सवार रहते हैं। नौजवान कोआला आज़ाद होने से पहले तकरीबन 1 साल तक अपनी माँ के साथ रहता है। कोआला को रहाइश का के नुकसान बीमारी और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से एक कमज़ोर नस्ल समझा जाता है। इनकी बाकी मानदा आबादियों के तहफ़ और इनके मस्कन को महफूज रखने के लिए
तहफ्फुज़ की कोशिशें जारी हैं। इनमें ज़मीन का तहफ्फुज़, रहायशगाह की बहाली और बीमारियों का इंतज़ाम जैसे इकदाम शामिल हैं। कोलक ऑस्ट्रेलिया में भी कानून के ज़रिए तहफ्फुज़ हासिल है और इन्हें नुकसान पहुंचाना या मारना गैर कानूनी है। खुलासा ये है कि कोला एक अनोखा और दिलफरेब जानवर है। दरख्तों में ज़िंदगी को ढाल लेता है और इसे यूकलिप्टस के पत्तों की खसूसी खुराक हासिल है। वो अपने माहौलियाती निज़ाम के अहम रुकन हैं और अपने मस्कन के तवाज़न को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।